लगभग दो साल पहले एक खबर सामने आई थी कि मलाइका अरोड़ा खान डाइवोर्स देने जा रही है अरबाज खान को और अपने सरनेम खान को भी वो हटा देंगी हमेशा के लिए। ये तो यू दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के फैन के आइकॉनिक कपल के तौर पर पहचान हासिल करने वाले जोड़ी थी, लेकिन जब इन दोनों की डाइवोर्स की खबर सामने आई तो हर कोई बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। ऐसे में ये देखने को मिला कि अरबाज मलाइका एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और अलग होने की वजह कही गई अर्जुन कपूर। लेकिन जो अरबाज खान अपने इंटरव्यू में अब ये कहते हुए सामने आए हैं कि मलाइका और अरबाज का आखिर डायवोर्स क्यों हुआ, इस बीच उन्होंने अर्जुन का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया जिस बीच उनसे डायवोर्स के पीछे की वजह भी पूछी गई। उन्होंने यहाँ ये बताया कि हमारे बीच बहुत वक्त से नोकझोंक चल रही थी, हम इस बात को लेकर थोड़ा घबराते भी थे कि हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस बात का असर हमारे 12 साल के बच्चे पर आखिर कैसा जाएगा जिनका नाम अरहान खान है। बताने आप सभी को कि अरबाज और मलाइका दोनों ही जब अलग हुए तो कस्टडी मिल चुकी थी अरहान की मलाइका को। इस बारे में भी बात करते हुए अरबाज को इस इंटरव्यू में देखा गया। पहले उन्होंने ये कहा कि हम अपने 12 साल के बच्चे की वजह से थोड़े घबरा चुके थे, लेकिन हमें ये पता चल चुका था कुछ वक्त बाद कि हमारा बेटा अभी उम्र में छोटा जरूर है लेकिन हर एक बात को समझता भी वो खूब है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि उनके पेरेंट्स के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से उनका ये फैसला अरहान पर खास असर डालता हुआ नजर नहीं आया। जब उन्होंने बात की अरहान से कि वो दोनों डाइवोर्स लेने जा रहे हैं तो अरहान ने खूब समझदारी दिखाई। अरबाज और मलाइका एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेशन के काफी वक्त बाद इन दोनों का डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स के बाद कस्टडी पहुंच गई मलाइका के पास। लेकिन अरबाज का ये कहना है कि जब कस्टडी मलाइका को दी गई थी तो मुझे इस बात पर जरा सा भी एतराज नहीं था कि मलाइका को कस्टडी दी जा रही है, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अभी जो मेरे बेटे की उम्र है इस उम्र में उसे सबसे ज्यादा पिता की नहीं बल्कि माँ की जरूरत है और मलाइका एक बहुत ही अच्छी माँ भी है और अरहान को वो बहुत अच्छे से संभाल रही है, लेकिन अरहान मेरे साथ भी काफी वक्त बिताते हैं जो मलाइका को जरा से भी खटकता नहीं। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि मेरा बेटा बहुत जल्द 18 साल का हो जाएगा। 18 साल का जब हो जाएगा तब वो ये फैसला ले सकता है कि आखिर उसे किसके साथ रहना है और मैं ये बात समझता हूँ कि उसके फैसले में मैं और मलाइका उसका साथ जरूर देंगे। ऐसे में अब आप सभी यहाँ मलाइका और अरबाज के रिश्ते को लेकर जितनी अटकलें लगाते थे कि डाइवोर्स क्यों हुआ है क्यों नहीं, अभी भी इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, क्योंकि अपने इंटरव्यू में अरबाज ने ये बात नहीं बताई है कि आखिर क्यों मलाइका और उनके बीच नोकझोंक हुई, क्यों उन्होंने इतना सालों पुराना रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। यूं तो काफी हद तक वजह सलमान को भी माना जाता है जो मलाइका को पसंद नहीं करते थे, खान परिवार को माना जाता है जो मलाइका के बोल्ड अंदाज को पसंद नहीं करते थे, तो वहीं एक वजह अर्जुन कपूर को भी माना जाता है क्योंकि अरबाज सलमान के साथ मलाइका के साथ पूरे खान परिवार के साथ अर्जुन का रिश्ता बहुत अच्छा था, आना जाना लगा रहता था, जहां मलाइका के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ चुकी थी और इसी वजह से मलाइका अर्जुन के प्यार में पड़ने के बाद अरबाज से अलग होना चाहती थी। वह चाहे जो भी रीजन हो ये सभी आज अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। अरबाज किसी को डेट कर रहे हैं तो वही मलाइका डेट कर रही हैं अर्जुन को, जहां इन दोनों की शादी की खबर भी खूब सामने आने लगी है और साल 2020 तक शादी होने की बात कंफर्म कही जा रही है कि अंत में ये दोनों शादी कर लेंगे। वेल अगर ऐसा होता है तो दोनों कपल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। वेल क्या कहना है दोस्तों आप सभी का इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।